गोंडा जिले के ब्लॉक रूपाईजी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली दल्हापुर पहाड़ी ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की गई घोटाले की जांच की मांग करते हुए उन्होंने बताया कि बिना काम किए हुए ही पैसा खाते से निकल जाता है, जिसके लिए प्रशासन से शिकायत की गई है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। क्या नाम है आपका? हनुमान प्रसाद। कौन सा गाँव है? डारीडीह चौवा ग्राम सभा दल्हापुर पहाड़ी। अच्छा, समस्या क्या है आपकी? समस्या ये है कि हमारे गांव के अंदर लेटरिंग का पैसा तमाम निकल चुका है। लेटरिंग का पैसा, जिसे जो शौचालय बनाने के लिए सहयोग राशि आती है, हाँ। वो पैसा मतलब इस पंचवर्षीय में निकला है कि जो बीत चुका है उसमें निकला है? जो बीत चुका है उसमें निकला है, और 5 साल के अंदर न तो कोई काम हुआ है और न एक शौचालय बनाया गया है। जी, यानी कि जो शौचालय की सहयोग राशि आई है, हाँ। उसको सब लोग खा गए, बनाए नहीं? सब लोग खा गए, कुछ नहीं बना है, मौके पर जांच के लिए। और क्या क्या समस्या है आपकी? और समस्या है कि हमारे ग्राम सभा से लगभग 4 लाख से 5 लाख रुपया तक निकल चुका है। तालाब के बारे में निकाले हैं, मतलब तालाब का भी पैसा निकला है? हाँ, तालाब का पैसा निकला है लेकिन तालाब में कोई काम नहीं हुआ है। वो तालाब में बरसात में पानी भरा था, काम कहाँ से होगा? उसका भी रुपया निकल चुका है? हाँ, सब निकल चुका है। और बताइए, नल का पैसा निकल चुका है रिबोर का, और कोई नल हमारे गांव में एक नल टूटा पड़ा है, 3 साल से पानी नहीं दे रहा है। उसके बारे में प्रधान से कहा था तो उन्होंने हमें डांटा है। प्रधान कौन है वहाँ के? हाँ, वो हमारे यहाँ के प्रधान साहू है। साहू? हाँ, पुत्र सत्ता। पुत्र सत्ता? अच्छा, ग्राम सभा दल्हापुर पहाड़ी के प्रधान है साहू। हाँ, तो सत्तार। हाँ। अच्छा, इसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की? इसकी शिकायत मैंने डीएम के यहाँ किया, सीडीओ के यहाँ किया, और ब्लॉक पर। थोड़ा वो दिखाइए। हाँ, ब्लॉक पर। हाँ। किया है। हाँ। वीडियो से, वीडियो पंचायत से, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अच्छा, इसकी शिकायत आप गोंडा में जाकर के जिला अधिकारी से या उच्च स्तर के अधिकारी से नहीं किया? किया है। हाँ, लेकिन कोई कार्यवाही आज तक भी नहीं आज हुई? आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। और कोई समस्या? हमारे यहाँ चहुआ स्कूल में 2 शौचालय आया था, जिसमे 1 शौचालय नहीं बना है और पैसा सब निकल चुका है। अरे, शौचालय का राशि आ भी गई, शौचालय बना भी नहीं बना है, निकल चुका है। मौके पर जांच कर लिया जाए। अच्छा, और कोई समस्या? अब और समस्या है कि जब हम लोग ग्राम सभा के बारे में, काम के बारे में प्रधान से कहते हैं तो वो गाली गुप्ता देते हैं, धमकी देते हैं। मेरे यहाँ आवास, एक किसी को 4-5 आवास मिल चुका है, किसी को 1 आवास गरीबों के नहीं मिला है, जिससे वो पैसा पाते हैं। एक आवास पर 20,000-25,000 उसको आवास देते हैं, और जो गरीब पैसा देने लायक नहीं उनको आवास नहीं दिया जाता। इसका मतलब प्रधान घूस भी लेते हैं? हाँ, लेते हैं। कोई साक्षी है आपके पास? हाँ, साक्षी क्यों नहीं है। 4-5 लाख रुपया निकल चुका है और आज तक के कोई काम नहीं हुआ है ग्राम सभा के अंदर, उसको क्यों ना जाँच किया जाए। गोंडा से के न्यूज संवाददाता प्रकाश की रिपोर्ट।